डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के थर्ड पार्ट में को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने कॉमन बेस, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ा, यानी कि उसकी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। अब हम लोग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के थर्ड पार्ट, यानी कि कॉमन कलेक्टर्स की इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो जैसा कि डिफिनेशन से पता है कि कॉमन कलेक्टर का मतलब ये हो गया, जहाँ पे कि कलेक्टर जो है वो कॉमन है इनपुट एंड आउटपुट दोनों के बीच में। यहाँ से आपको दिखाते हैं, तो ये हमारा हो गया कलेक्टर पार्ट, है ना। दिस वन इज कलेक्टर पार्ट, दिस पोर्शन, ओके। एंड ये इनपुट में ये पूरा हिस्सा है, ओके, और आउटपुट में ये हिस्सा, सॉरी, दिस इज नथिंग बट आउटपुट साइड। आपको आप देख सकते हो कि ये हमारा आउटपुट का हिस्सा है और ये हमारा इनपुट का हिस्सा है ना। तो इन यानी कि कलेक्टर जो है, ये कलेक्टर पोर्शन, दिस कलेक्टर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, है ना। तो अभी अगर हम नॉर्मली, जब अभी तक दो कैरेक्टरिस्टिक देख लिए हैं, तो तीसरे में हम लोग का आइडिया हो गया है कि इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लेने वाले हैं। तो देखिए, इनपुट में हमारा इनपुट करंट क्या हो जाएगा, इनपुट साइड में बेस आई बी हमारा इनपुट करंट हो जाएगा, और VBC हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। और सिमिलरली आउटपुट में क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट यानी कि IE और आउटपुट वोल्टेज यानी कि VCE। क्लियर। सिमिलरली इसी कॉन्फ़िगरेशन को जो हमने सिंबल के तौर पे यहाँ पे दिखाया हुआ है, यही कॉन्फ़िगरेशन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये NPN कंस्ट्रक्शंस के तौर पे दिखाया हुआ है। ये हमारा इमीटर सबसे ऊपर, बेस एंड कलेक्टर। तो जो बेस है ये कॉमन है इन सॉरी कलेक्टर जो है, दिस हिस्सा कलेक्टर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एज वेल एज आउटपुट, है ना। तो और जहाँ पे कि ये VC हमारा वो आउटपुट वोल्टेज है, VBC हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, IB इनपुट करंट होगा, और IE जो होगा वो हमारा आउटपुट करंट होगा, है ना। सो अब यहाँ पे इसी का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि IB वर्सेज VCB, यानी कि हम ड्रॉ करेंगे IB वर्सेस VCB। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी अलग होती है बाकी के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के, क्योंकि इसका जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड से की तरह बिहेव करता है। यानी कि रिवर्स बायस ऑफ पीएन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया, कि इफ़ यू इंक्रीज द दिस VCB वोल्टेज, दिस IB करेंट विल डिक्रीज, ओके। सो दिस विल बी नथिंग बट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। यू कैन चेक आउट हियर ऑल्सो। सिमिलरली जैसा कि हम अभी तक लिखते आए हैं, तीन से चार पॉइंट हमें लिखना है हर एक के थ्योरेटिकल पोर्शंस के ऊपर। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट ग्राफ बिटवीन हियर IB वर्सेस VCB, है ना। यानी कि इनपुट करेंट वर्सेज इनपुट वोल्टेज। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन IB एंड VCB फॉर द वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज VCE, है ना। VC के हम दो सिर्फ यहाँ पे लिया है, VC इज इक्वल टू 2 वोल्ट एंड VC इज इक्वल टू 4 वोल्ट। हाँ, ये थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज सिमिलर टू द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ VI, रिवर्स बायस VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। बिकॉज बाकी केस में क्या हो रहा था, VI यानी कि एक्सपोनेंशियल VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN डायोड जैसा दिख रहा था ना, लेकिन यहाँ पे रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक की तरह दिखता है, क्योंकि रिवर्स बायस जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो करीब करीब इस तरीके से होती है ना। यू कैन चेक इट आउट, दिस इज द नथिंग बट रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इजंट इट। सो सिमिलर वे में हम यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो जब हम VCB को बढ़ाएंगे, तो ये वैल्यू बाय कीपिंग VCE कांस्टेंट हमारा डिक्रीज होगा, यानी कि बेस करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। और हम जानते हैं कि बेस करंट जो होता है वो करीब करीब माइक्रो एम्पियर में फ्लो होता है। एंड द लास्ट पॉइंट हियर, एज वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई है, एज द बेस टू कलेक्टर वोल्टेज VCB इंक्रीज है, जब मैं VCB को इंक्रीज करूँगा VC इज रिड्यूस, दे बाई रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ IB। सो VCE क्या होगा, रिड्यूस होगा, और इसकी वजह से हमारा IB की वैल्यू भी रिड्यूस होगी। और इसका जो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस होगा, सिंपली VCB यानी कि वोल्टेज डिवाइड बाई करेंट, डेल VCB डेल बाई आई डेल IB बाई आउटपुट, यानी कि VCE कीपिंग कॉन्स्टेंट। सो अब हम चलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली अप्रोक्स सिमिलर होता है कॉमन इमिटर कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इस यहाँ की जगह पे वहाँ पे कॉमन कलेक्टर होता है, यहाँ पे कॉमन इमिटर है। तो आउटपुट किससे किसके बीच में ड्रॉ होगा, IE वर्सेस VCE बाई कीपिंग IB कॉन्स्टेंट, है ना।
तो चलिए देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को। और ये जो ग्राफ है यानी कि ये डायग्राम जो है वो पीएनपी और एनपीएन के लिए है, जिसको कि सिंबल के तौर पे दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईबी पीएनपी के लिए आउटगोइंग है, आईसी आउटगोइंग है और आई इनकमिंग है। तो अगर मैं इसमें केसीएल इक्वेशन लगाता हूँ उस पोर्शन पे, तो दो आउटगोइंग और एक इनकमिंग, तो मेरा आई जो होगा वो आईसी प्लस आईबी के बराबर होगा, है ना। और ये मैंने पहले ही बताया था कि ये सबके लिए कॉमन है, चाहे कॉमन इमिटर कीजिए, कॉमन कलेक्टर कीजिए या कॉमन बेस कीजिए, आई इल बी ऑलवेज इक्वल टू आईसी प्लस आईबी। ये हमें वेरीफाई करने का तरीका है, डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को हम कैसे रखें, इसके थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये एनपीएन के लिए और ये पीएनपी के लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो होगा हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसा कि हम पहले लिखते आएंगे या देखते आए हैं, सिमिलरली वैसे ही करेंगे। ये जो ग्राफ होगा आईई वर्सेस वीसी होगा फॉर द वेरियस लेवल ऑफ इनपुट करंट आईबी, है ना। तो आईबी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है। दिस इज नथिंग बट आईई यानी कि इनपुट, सॉरी आउटपुट करंट, एंड नथिंग बट आउटपुट वोल्टेज। एंड दिस रीजन हियर एक्टिव रीजन, दिस रीजन इज कट ऑफ रीजन, और दिस रीजन इज सेचुरेशन रीजन, जैसा कि हम लोग अभी तक तीनों दोनों जो कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर में देखते आए हुए हैं। एंड द आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो आउटपुट वोल्टेज बाई आउटपुट करेंट वी बाई आई होता है। तो डेल वी सी क्योंकि डायनेमिक है यानी कि ए सी है, इसलिए डेल वी सी बाई डेल आई ई बाई कीपिंग आई बी कॉन्स्टेंट, है ना। अब एक्टिव रीजन्स में जो हमारा पहला डिफिनेशन है कि इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखेंगे, और ये ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। सेकेंड में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव रीजन्स में कि आईबी जो है बेस करंट को, अगर हम बेस करंट को बढ़ा रहे हैं, बेस करंट की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे 0, 10, 20, 30, 40 हम जो बढ़ाते गए, तो आईई की वैल्यू काफ़ी तेजी से बढ़ रही है सेंसिटिवली, यानी कि जैसा कि कॉमन इमीटर में था एग्जैक्टली यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। तो फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ आईबी, आईबी के किसी फिक्स वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, इफ़ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वीसी को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आपका जो आई की जो वैल्यू है वो रैपिडली, यानी कि आईबी बेस में क्या हो रहा था, करीब करीब कॉन्स्टेंट हो रहा था, आईई यानी कि कॉमन इमीटर में क्या हो रहा था, ये वैरी कर रहा है, ये जो हमारा सिचुएशन में, जैसे मान लो आई इक्वल टू 40 देख लीजिए, तो यहाँ पे अगर मैं वी सी को बढ़ा रहा हूँ तो आई बी की वैल्यू यानी कि आई की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी तेजी से इंक्रीज कर रही है ना। एंड द लास्ट वन एग्जैक्टली सिमिलर टू द कॉमन इमीटर इन दिस रीजन, कलेक्टर ओनली वेरीज दिस वन, कलेक्टर करंट रिस्पॉन्ड मोर सेंसिटिवली टू द आई बी, यानी कि आई बी को जितनी हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही ग्राफ जो है वो कर्व जो है वो उसका स्लोप काफ़ी तेजी से बढ़ते जाएगा, इज़न्ट इट। अब आते हैं हम लोग सेचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन्स को भी देख लेते हैं, सिमिलर इसमें भी सेम वेरिएशन होगा। इन सेचुरेशन रीजन का पहला डिफिनेशन, इमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे और इसमें ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। सिमिलरली अब सेकेंड पॉइंट जो जैसा था कि जो क्लोज टू जीरो एक्सिस होगा, ये रीजन क्लोज टू जीरो एक्सिस जो रीजन होगा वो हमारा सेचुरेशन रीजन कहलाएगा, और ऑल द करंट रैपिडली जो है जीरो की तरफ आएंगी, यानी कि जीरो की तरफ रिड्यूस होकर सारी करंट आ रही है। कट ऑफ रीजन में दोनों रिवर्स बायस में होगा, जो कि हमारा कट ऑफ रीजन है, दोनों रिवर्स बायस में, यानी कि इमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होगा, और रीजन आई बी इज इक्वल टू जीरो के नीचे का जो रीजन होगा, ये रीजन ये हमारा कलेक्टर करेंट कहलाएगा, कट ऑफ रीजन्स कहलाएगा। अच्छा, इसमें जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, और हमें पता है कि गामा का मतलब, करंट गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आउटपुट करंट जो है आई है और इनपुट करंट क्या है हमारा आई बी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, कॉमन कलेक्टर में होगा। तो अल्फा किस में था, कॉमन बेस में, बीटा किस में था, कॉमन इमीटर में, और गामा किस में होगा, कॉमन कलेक्टर में। और ये क्या है, करंट गेन की वैल्यू है तीनों ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम तीनों का यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, तीन अलग अलग लेक्चर्स में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।